हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और अब तक हम इस चैप्टर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ साथ हमने प्रीवियस क्लासेस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन की भी बात की थी, जिसमें हमने पढ़ लिया था एग्रोबेस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रीज़ डैट यूज़ मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि मिनरल्स और मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। कैन यू नेम एनी सम इंडस्ट्रीज़ डैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? क्या आप ऐसी किसी इंडस्ट्रीज़ का नाम बता सकते हैं जो इस तरह की कैटेगरीज में आती हों? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारे पास, इसी में ही है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ही होती है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। कह रहे हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये बेसिक इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि ये अदर इंडस्ट्रीज़, भले ही वो हैवी हो, भले ही वो मीडियम साइज़ हो या लाइट हो, वो हर कोई इंडस्ट्री पूरी तरह से अपनी मशीनरी के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करती है। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। स्टील की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें अलग तरीके के इंजीनियरिंग गुड्स को, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाने के लिए, डिफेंस मटेरियल को बनाने के लिए, मेडिकल और टेलीफोनिक इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, इसके साथ साथ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए हमें स्टील की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील। स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज अ इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। क्या है, स्टील का प्रोडक्शन और इसका कंजम्पशन दोनों को ही जो है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के इंडेक्स के रूप में भी देखा जाता है। आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये कह रहे हैं हमें कि जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है ये हैवी इंडस्ट्री है बिकॉज इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है और जो फिनिश गुड्स होता है वो दोनों ही हैवी होते हैं और बहुत ज़्यादा बल्क में यूज़ किए जाते हैं और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। आयरन ओर, कॉकिंग कॉल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1। सम क्वान्टिटीज ऑफ मैगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। जब हम स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें आयरन ओर, कॉकिंग कोल और लाइमस्टोन की रिक्वायरमेंट होती है, और जिनका जो रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1 है। यानी कि अगर हमने 1 किलो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए हमें 4 किलो आयरन ओर चाहिए और 2 kg हमें कॉकिंग कोल चाहिए और उसके लिए लाइमस्टोन चाहिए 1 kg, तब हमारा 1 kg जो है स्टील मैन्युफैक्चर होगा। और क्या होता है, इसकी सम क्वांटिटीज ऑफ मैगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। इसमें ये कह रहे हैं आगे हमसे कि इसमें कुछ मैगनीज की क्वांटिटीज की भी रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम स्टील को और भी ज़्यादा हार्ड कर सकें। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड। स्टील प्लांट्स जो है कहाँ पर आइडियल तरीके से लोकेटेड हो सकते हैं, एक आदर्श जगह क्या है स्टील प्लांट्स को लोकेट करने की। रिमेंबर डैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एंड एफिशेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फिनिश प्रोडक्ट होता है इस इंडस्ट्री का, उसको एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट तक और कंज्यूमर तक आसानी से हो सके। इन 2018 विद 106.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक सेकेंड अमंग्स द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। कहें 2018 में 106.5 मिलियन टन्स कच्चे स्टील का प्रोडक्शन करके इंडिया वर्ल्ड में नंबर 2 पर था क्रूड स्टील प्रोड्यूसर के मामले में। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन
और इंडिया जो है स्पंज आयरन के मामले में वर्ल्ड में नंबर वन है प्रोडक्शन करने के लिए। इन 2018 अगर हम 2018 की डाटा की अगर बात करें, इन 2018 कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वॉज ओनली अराउंड 70.9 केजी पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 224.5 केजी। कह रहे हैं इंडिया में जो 1% जो कंजम्पशन है स्टील का, वो लोग कह रहे हैं कि 70.9 केजी है पर ईयर, जबकि पूरे वर्ल्ड में जो एवरेज है वो 224.5 केजी पर ईयर है, पर पर्सन जो कंजम्पशन है स्टील का। तो इस मामले में हम जो है काफ़ी पीछे हैं कंजम्पशन के मामले में। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश स्टील इन इंडिया बता रहे हैं, देखिए डाटा हमें दे रखा है 2013-14 में 87.67 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया था, और 2014-15 में 92.16 मेट्रिक टन्स का, और 2015-16 में 91 मेट्रिक टन्स पर एनम प्रोडक्शन हो रहा था, 16-17 में 101 और 17-18 में 86.69%। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है डाटा उसके हिसाब से है। अब आप आगे देखें, मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पंज आयरन। जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं और इनके पास इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी कि बिजली से चलने वाली भट्टियाँ होती हैं, जहाँ पर ये स्टील स्क्रैप को यूज़ करते हैं और स्पंज आयरन को यूज़ करते हैं। दे हैव री रोलर्स डेट यूज स्टील इंगॉट्स एज वेल, दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। ये जो है री रोलर्स को यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ ये स्टील इंगॉट्स को भी यूज़ करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और ये प्रोड्यूस करते हैं माइल्ड एंड अलॉय स्टील गिवन स्पेसिफिकेशंस का। उसके बाद देखिए आपके पास जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चर करने की स्टील को, वो आपको पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। देखिए सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है प्लांट तक जो है रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करके लगाते हैं, जो भी स्टील के लिए हमें चाहिए होता है, जैसे हमने देखा कॉकिंग कॉल, और हमें जो चीज़ इसमें आयरन और चाहिए था कुछ अमाउंट, इसमें हमें मैगनीज का भी चाहिए था, लाइमस्टोन चाहिए था, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर लेकर आते हैं प्लांट तक। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमने रॉ मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट करके लेकर आए हैं उसको प्लांट के अंदर ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं, वहाँ पर आयरन और को सबसे पहले मेल्ट करते हैं, फिर उसमें लाइमस्टोन कि जो है उसको फ्लक्सिंग कर देते हैं। लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडिड, इसको आयरन ओर में जो है ऐड कर दिया जाता है। स्लैग इज रिमूव, इसमें से फिर स्लैग को रिमूव कर देते हैं, कॉक को फिर बर्न करते हैं और हीट द ओर, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ओर को हीट कर देते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में ये प्रोसेस चलती है। उसके बाद आते हैं ना पिग आयरन, मोल्टन मटेरियल जो होता है, जो भी पिघला हुआ आयरन होता है उसको जो है मोल्ड कर दिया जाता है पिग्स में। उसके बाद ये जो मोल्डेड आयरन होता है जिसको हम पिग आयरन कह रहे हैं, इस आयरन को जो आगे स्टील मेकिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, वहाँ पर पिग आयरन इज़ फर्दर प्योरीफाइड, वहाँ पर फर्दर प्योरीफाई करते हैं मेल्ट कर और ऑक्सीडाइज कर इम्प्योरिटीज़ को, और यहाँ पर फिर मैगनीज निकल क्रोमियम एक्सेट्रा को ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या है इसको जो है शेप देने के लिए इसको बाहर लेकर जाते हैं, और लास्ट प्रोसेस में क्या होता है इसकी रोलिंग की जाती है, इसकी प्रेसिंग की जाती है, कास्टिंग और फॉर्जिंग होती है। तो ये 5 स्टेप में हमारा पूरा ऐसा जो स्टील है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। सबसे पहला काम ट्रांसपोर्टेशन करना रॉ मटेरियल का प्लांट तक, दूसरे में ब्लास्ट फर्नेस में उसकी मेल्टिंग करना, फिर पिग आयरन में होता है, उसके बाद फिर स्टील मेकिंग होती है, और लास्ट में फिर उसको शेप देना। ये सब जो है हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर आते हैं। अब हम बात करें आगे, देखिए आयरन स्टील प्लांट्स इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्लांट्स और जो कि मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। इंडिया में कुछ ही जगह हैं जहाँ पर आयरन स्टील प्लांट्स हैं, जिनमें कुछ की हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे रेड कलर में आपको दिखा रखा है, इसमें बांग्लादेश के बराबर देखिए पश्चिम बंगाल है, इसमें 2 सिटी हैं हमारे पास, एक तो है बर्नपुर एंड दुर्गापुर, ये दोनों आयरन स्टील के लिए फेमस हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे बोकारो जमशेदपुर, ये दोनों ही जो हैं झारखंड स्टेट में हैं और ये भी अपने आयरन स्टील के लिए वर्ल्ड में फेमस हैं। इसके साथ साथ राउरकेला नीचे उड़ीसा में है, और पास में ही आपके पास छत्तीसगढ़ में देखिए भिलाई स्टील प्लांट की लोकेशन है वो। फिर और नीचे आएंगे तो आपका विशाखापट्टनम, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर आप चलिए कर्नाटक में विजयनगर और भद्रावती, ये कर्नाटक में पड़ते हैं, और सेलम जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये इंडिया में इम्पॉर्टेंट स्टील प्लांट्स हैं, आयरन स्टील प्लांट्स हैं। उसके हम आगे चलें तो आगे हम देखें हमारे पास क्या है,
Most of the public sector undertakings market their steel through Steel Authority of India Limited SAIL. कह रहा अधिकतर जो पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स हैं वो अपने प्रोडक्ट की अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग कराते हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू कराते हैं। यानी कह सकते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टील के, वो अपने अपने प्रोडक्ट की, यानी कह सकते हैं अपने स्टील की जो मार्केटिंग है, अपने स्टील को मार्केट में जो सेल करते हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू करते हैं, सेल के थ्रू करते हैं। इन द 1950s चाइना इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। खैर 1950 के दशक के आसपास चाइना और इंडिया सेम क्वालिटी के स्टील को प्रोड्यूस करते थे, सेम क्वांटिटी में स्टील को प्रोड्यूस करते थे। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। और आज के समय में चाइना जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील के मामले में। चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। और चाइना सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी करता है स्टील का। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। छोटा नागपुर प्लेटो में सबसे ज़्यादा आयरन, छोटा नागपुर का जो रीजन है इस एरिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रीजन में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। दीज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं बता रहे हैं। पहले तो चाहिए लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन ओर मिलता है वो लो कॉस्ट पर मिल जाता है। नेक्स्ट हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल जो है पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहता है। थर्ड चीप लेबर, लेबर सस्ती मिल जाती है। फोर्थ यार बात करें वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और होम मार्केट में इसकी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से छोटा नागपुर जो रीजन है, छोटा नागपुर का जो प्लेटो का रीजन है, इस एरिया में अधिकतर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं सेटअप्ड हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। दो इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू। अब क्योंकि हमें पता है इंडिया जो है आयरन स्टील प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में एक अपनी खास पहचान रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन अभी भी हम जो अपने फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे कुछ रीज़न है। वो रीजन्स क्या हैं बता रहे हैं। पहला हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉकिंग कॉल। हमारे यहाँ पर जो कॉकिंग कॉल है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। एक रीज़न तो यह है जिसकी वजह से इंडिया जो है अपने फुल पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस इंडस्ट्री में। नंबर दो लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहाँ पर जो लेबर यूज़ की जाती है इस इंडस्ट्री में उस लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है, एक समस्या ये भी रही है। थर्ड इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। हमारे यहाँ पर एनर्जी जो जो इन ब्लास्ट फर्नेसेस को, इन इंडस्ट्रीज में मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हमें जो एनर्जी, जो पावर की रिक्वायरमेंट है, उस पावर की सप्लाई रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, एक समस्या हमारे सामने ये भी है। और एक उन्होंने कहा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जो कि इस इंडस्ट्री ग्रोथ को जो है बढ़ावा दे सके। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे। इसके साथ साथ कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रहा है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम जो अच्छी क्वालिटी के स्टील को अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। हालांकि इसके बावजूद इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है स्टील का वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। देर इज़ अ नीड टू अलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। ये क्या हमें बता रहे हैं इसमें कि जो लिबरलाइजेशन है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसने जो है इंडिया की इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, और इसमें जो एफर्ट्स लगाए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, उसने भी जो है काफ़ी इस इंडस्ट्री को जो है आगे बढ़ने में हेल्प की है। और इसलिए अब हमें ज़रूरत है अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करने की, जिससे कि प्रॉपर तरीके से रिसर्च हो सके और हम डेवलप कर सके और डेवलपमेंट कर सकें, जिससे कि हम प्रोड्यूस कर सकें स्टील मोर कम्पिटिटिवली, स्टील को ज़्यादा कम्पिटिटिव तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकें। इसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रिसोर्स को एलोकेट करने की जो है काफ़ी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ के अंदर हमारे पास आ रही है। अगर हम आगे देखें इसके अंदर